नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उसके पॉइंट। अभी तक के लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब से मैंने ये सुधार कर दिया है अपने करंट अफेयर्स में, हम क्वेश्चन के साथ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आपका जो है क्वेश्चन भी कम्प्लीट हो जाए और पॉइंट भी आपके जो है क्लियर। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा पहला पॉइंट है कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू। इसका ऑप्शन है गोरखपुर, अलीगढ़, अमेठी और वाराणसी। आप जानते रहिएगा इसका जो है राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है कलाश्निकोव AK-203 भारत और किस देश का संयुक्त उद्यम है। ऑप्शन में देखेंगे चीन, रूस, इजराइल, फ्रांस। आंसर इसका जान लीजिए, ये फ्रांस का जो है संयुक्त उद्यम है इंडिया के साथ। अब दोस्तों, इसी पे हम पॉइंट भी डिस्कस कर ले रहे हैं। जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा है मैंने ये पॉइंट बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अमेठी के कोरवा आर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका उत्पादन शुरू हो। कहाँ पे? अमेठी के कोरवा आर्डिनेंस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री को जो है आप याद कर लीजिएगा। और यह भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है, इंडिया और रूस का जॉइंट जो है ये उद्यम है। यह 7.62 mm की असॉल्ट राइफल है, ठीक है। इस राइफल की मारक क्षमता 800 मीटर है। इसका वजन 3.8 kg है। अब आपको जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है जो मुझे लगा मैंने इस पे बना दिया है। तो आइए अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक कहाँ आयोजित? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। कई बार हो सकता है कि एग्जाम में विश्व आर्थिक मंच न लिख के WEF की जो है पूछ लिया जाए कि 53वीं बैठक कहाँ हुई है। तो देखिए, ऑप्शन पहला है बर्न, दूसरा जो ऑप्शन है बर्मिंघम है, तीसरा ऑप्शन दाउस है और चौथा ऑप्शन नई। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट जो आंसर है वो दाउस है और ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है। आइए इसका जो है कॉन्सेप्ट भी हम देख लेते हैं जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक जो है कब से कब तक हुई है? दोस्तों, ये 16 जनवरी से 30 जनवरी 2023 यानी कि अभी रिसेंट में ये बैठक हुई। और WEF की 53वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दाओस शहर में हुई। तो स्विट्जरलैंड को जानते रहिए, कंट्री जो है स्विट्जरलैंड और उसका जो है प्रमुख शहर दाओस यहाँ पे हुई है। अब देखिए दोस्तों, इस विश्व आर्थिक मंच की जो है थीम क्या है, तो विषय क्या था? तो विषय को जरूर याद रखिएगा, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो क्या है इसको, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इस बैठक में 130 देशों के नेता और राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन के बाद इसके पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में एक है लोहारदगा, दूसरा है जैसलमेर, के बाद हजारीबाग, नेक्स्ट है इंदौर। तो यहाँ पे सही इसका आंसर है लोहारदगा। आइए बात कर लेते हैं इसके पॉइंट पे, जो करेंट अफेयर्स का ये पॉइंट है। दोस्तों, यदि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट आपको जो है तुरंत मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर। आइए नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग को जो है देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 2015 में, वो भी जो है योजना आयोग के स्थान पर की, ठीक है। ये जानते रहिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई है। इस रैंकिंग में कुल कितने मानक शामिल होते हैं? 49 मानक जो है शामिल होते हैं, लेकिन जिसमें 5 व्यापक संख्या,
पांच व्यापक संकेतक में कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और पोषण है, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है कृषि और जल संसाधन, और चौथा है वित्तीय समावेशन और कौशल, और पांचवा है बुनियादी ढांचा। ये पांच जो है व्यापक संकेतक हैं, और इन्हीं में पूरा जो है टोटल 49 जो है मानक शामिल है। अब इसमें जो है कितने जिले जो है शामिल होते हैं दोस्तों? 27 राज्यों के 112 जिले इसमें जो है शामिल किए गए हैं, और यह रैंकिंग नवंबर 2022 की, तो अभी आई है जनवरी 2023 में। टॉप तीन जिले कौन से हैं? लोहरदगा झारखंड का जो है एक जिला है, झारखंड राज्य का। जैसलमेर, जैसलमेर आप जान ही रहे हैं, राजस्थान का जिला है। हजारीबाग तीसरा जो है और ये भी जो है झारखंड। तो आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन चैंपियंस ऑफ चेंज, अब देखिए ये जो है एक चैंपियंस ऑफ चेंज, ये जो है पब्लिक डोमेन है, ठीक है, नाम के पोर्टल पर उपलब्ध किया जाता है। तो आकांक्षी जिलों की जो रैंकिंग है वो किस जो है पोर्टल पे, चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल पे उपलब्ध होता है। अब आइए दोस्तों आज का लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है इदुक्की, कोल्लम, कन्नूर, कोट्टायम। तो आप जानते रहिएगा ये जो है कोल्लम जिला है, इसका आंसर कोल्लम है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, पॉइंट के बारे में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं केरल राज्य, ठीक है, भारत में केरल राज्य एक जो है बहुत ही वेल एजुकेटेड और सारी चीज़ों में लगभग लगभग नंबर एक पोजीशन रखता है। तो केरल ने का एक जिला, ये कोल्लम जिला है, जहाँ पे ये किया गया कि यहाँ के लोगों को जो है संविधान की जो जानकारी। वैसे दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप एक भारतीय अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको जो है अपना संविधान जानना पड़ेगा। तो कोल्लम जिला और पिनरई विजयन द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई, वहाँ के जो है मुख्यमंत्री के द्वारा 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 16.3 लाख लोगों को यहाँ पे गड़ हो गया है। तो 16.3 लाख लोगों को जो है शिक्षा, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2023 सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन कौन कर, तो अब ये जो है भारत, नेपाल, जापान, अमेरिका, श्रीलंका, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा ये युद्धाभ्यास कौन कर रहा है, कि अभ्यास श्रीलंका और अमेरिका जो है कर रहे हैं। आइए इसके जो है कुछ पॉइंट्स जो लगे हैं। तो मार्च 2023 सैन्य युद्धाभ्यास का आयोजन श्रीलंका और अमेरिका, और इस सैन्य युद्धाभ्यास में श्रीलंका की सेना, श्रीलंका की वायुसेना, जापानी सेना, मालदीव, ठीक है, ये जो है शामिल है दोस्तों। जैसा अच्छा यहाँ पे पहले ये चीज जान लेते हैं, यह 19 जनवरी से 26 जनवरी यानी कि लगभग सप्ताह तक, ही एक सप्ताह जो है सैन्य युद्धाभ्यास चलेगा। और दोस्तों इसका मेन पर्पज क्या है, कि जैसे चाइना को जो है वर्चस्व हिंद महासागर और पैसिफिक प्रशांत महासागर में बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए अमेरिका की भी रणनीति हो रही है कि आसियान देशों को जो है शामिल करे, और जो उसके और पड़ोसी देश हैं वो जो है शामिल करके जो है चाइना के जो है को